दर्शकों, आज हम आए हुए आज़ाद इंडिया न्यूज़ की तरफ से आगरीपाड़ा आयर हॉस्पिटल। और आज यहाँ पर हम लोग कुछ लोगों से ऐसा मिले जिनकी कंप्लेंट है कि उनका इलाज वगैरह यहाँ पे सही किया नहीं जा रहा है और उनके पैर वगैरह का भी ट्रीटमेंट चालू था उनके घर का, मगर यहाँ पे कुछ डॉक्टरों की लापरवाही वगैरह देखी गई है और कुछ इलाज नहीं हो रहा है, सही से जवाब नहीं दिया जा रहा है, सही से उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि असल मसला क्या है, क्या प्रॉब्लम था और क्या हुआ है उनके साथ में, उनके पेशेंट के साथ। मेरा नाम शरीफ खान, हाँ, मेरे आदमी का नाम मोहम्मद हुसैन। मेरे हस्बैंड वो गिर गए थे तो ये लोग बोले ऑपरेशन हो गया, 9 महीना हो गया हम लोग, हाँ। अभी 3 बार ऑपरेशन हो गया, अभी कल 14 ऑपरेशन वापस थे। ये घड़ी घड़ी खाली ऑपरेशन ही करते रहेंगे कि आगे कोई जरिया भी निकलेगा। और खाली पैसा जमा करो, 20,000 रुपये लगेगा, 18,000 लगेगा, 15,000 लगेगा, बस डॉक्टर की मांग यही है, आगे उसके कोई मांग है। बोलते तो हम लोग को लिख के दिया जाता नहीं कि अगर लिख के देंगे तो हम पेपर दिखा के किससे भी मदद लेंगे, हमको लिख के नहीं देंगे तो हमको मदद देगा कौन? हम लोग गरीब लोग हैं, रोज कमा के खाने वाले। अभी ऐसा मसला चल रहा है, अभी मेरा आदमी तड़प रहा है, जब से यहाँ आया जब से तड़प रहा है, उसका कोई इलाज के अंदर जरा सी भी फर्क नहीं है, बस ऐसे ही दर्द में वो तड़पता है। 15 दिन से लूज मोशन हो रहा है, लूज मोशन के लिए एक गोली देने को तैयार नहीं है। और बाथरूम कर लेता है तो वार्ड बॉय को हम लोग को भगा देते बाहर, वार्ड बॉय को बोलते साफ करने को, वो साफ ही नहीं करता, हमको अंदर जाने भी नहीं देते। रात जब हम लोग चिल्लाते तो हम लोग को जाने देते हैं, जब तुम खुद नहीं साफ करोगे तो हमको करने दो ना, हमारा पेशेंट है। तो जाने के लिए भी नाटक करते सिस्टर लोग रात की, तो ऐसा सब जुलूम चल रहा है। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है भाई, बहुत परेशान है, खाली पैसा 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 ही सब कुछ है, कि इंसान की कीमत भी है दुनिया में। आपने इस बारे में कोई डॉक्टर वगैरह से कोई बात वगैरह की है या हॉस्पिटल के डीन वगैरह को जाके मिलके कोई बातचीत वगैरह हुई आपकी? नहीं, इधर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। तो मैंने बहुत बड़े लोग से बात करी, लेकिन वो डीम के पास जाने बोलते तो सुनने में आता है कि कोई बड़े को लेके जाएंगे तो डीम बात करेगा, हम गरीब लोग की क्या हैसियत है, कौन बड़ा आएगा हमारे? हम गरीब लोग के लिए कोई साथ देने को तैयार नहीं। अभी वो अगर पैसे वाला होता तो चार खड़े हो जाते, गरीब को कोई पूछने वाला नहीं। तो आज ये 9 महीने से ही हम लोग झेल रहे और अभी कल ऑपरेशन का बोल दिए, 18,000 जमा करने के लिए बोल दिए। अब मेरे पास पैसा है नहीं, मैं 18,000 कहाँ से लाऊं? अभी इसका रास्ता आप लोग बताओ मुझे। और अभी उनका किस चीज का ऑपरेशन फिर से हुआ? वही पैर का वापस से ऑपरेशन, तीन बार हो चुका है, चौथा ऑपरेशन, उसके बाद एक और ऑपरेशन करेंगे, पांचवा। अच्छा, ये एक टांग को कितने बार काटेंगे और कितने बार ऑपरेशन करेंगे, इसका कोई रास्ता है या नहीं? बोला जा रहा है कि ये बड़ा ऑपरेशन है, हार्ट भी है उनको, उनको हार्ट भी है और 3 ऑपरेशन छोटा किया गया पहले, उसके बाद अभी बोल रहा है चौथा ऑपरेशन बड़ा करने वाला है। तो बड़े ऑपरेशन में कुछ ऑब्जेक्शन ऐसा कुछ हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन रहेगा, हमको ये जानना है कि हार्ट है उनका, सेकेंड ऑपरेशन में हार्ट भी उनको आ चुका था, डॉक्टर लोग ने हमको बताया। और हमको ये खाली इतना जानना है कि डॉक्टर लिख के क्यों नहीं दे रहा है पेपर पे, अगर वो पेपर में हमको लिख के देता है तो हम कहीं से भी जाके मदद करके मांग के लाके जमा कर सकते हैं, अगर ये लिख के क्यों नहीं दे रहा है? बस यही जानना है, कैश पैसा हाथ में क्यों लेता है डॉक्टर, हर चीज़ के लिए, मशीन के लिए, हर चीज़ के लिए हमको लिख के चाहिए तो हम कुछ भी कर सकेंगे, हम कैश पैसा नहीं दे पाएंगे, हम लोग गरीब लोग नहीं होता है डॉक्टर से, अगर नहीं होता तो हमको ना कैसे शिफ्टिंग कर दिया जाए, हमारे। तो देखा आप लोगों ने इनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है और उल्टा इनके साथ डॉक्टर और हॉस्पिटल प्रशासन वगैरह कोई सपोर्ट या इनको सहायता करने के लिए तैयार नहीं है, ना वो कोई पेपर लिख के देने के लिए तैयार है, इनको फंडिंग वगैरह जमा करने के लिए या कहीं से अरेंजमेंट वगैरह करने के लिए। उनका बस डिमांड यही होता है कि उनको बस कैश में पेमेंट चाहिए ऑन द स्पॉट, बिना किसी लिखित के या किसी डॉक्यूमेंटेशन के। आज़ाद इंडिया न्यूज़ में आप तमाम लोगों का बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो फोटो निकाल रही आप कौन हो मेरे को बोलने वाले कि ड्रेसिंग नहीं होता है? क्यों नहीं
रोज ड्रेसिंग करना, आपको पता है कितना बड़ा ड्रेसिंग करना होता है? पूछ रहा हूँ मैं, रोज किसने बोला है करने के लिए? किसने बोला है रोज करने के लिए? मैं क्या पूछ रहा हूँ, रोज करने के लिए किसने बोला है ड्रेसिंग? मैं ड्रेसिंग करा जाऊँ आपको, एक हफ्ता बोल रहे ना, क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा है? अरे सुनो ना बाबा, आपसे नहीं हो रहा है, मुझे लिखे आपसे नहीं हो रहा है, आपको पेशेंट रहते नहीं है। कैमरा देखो कितनी बार आया हूँ मैं, हम लोग है या नहीं आपको पता चल गया? हम लोग बाहरी अंदर मुझे मत बताओ कि ड्रेसिंग की कितना बार बहुत चप्पल मार लिया आज मैंने, बहुत जूते मारे हमारी तिगुरी करके जूते खाते जाओ। और कुछ बोलना है तो बोल लो, वही बोली बहुत मैंने में जूते खा। सुनो इसके आगे मैं नहीं सुनूंगा, समझ नहीं बहुत बोल लिए। सुनो मैं तुम्हारा ना बाजू तुम्हारे घर के बाजू में रहने वाला आदमी नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ मैं। हाँ मैं हाथ दो छोड़ दूंगा ना, भेज दू घर पे। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, आपके हाथ में कंप्लीट कर दूंगी कैसे ऐसा हमारे साथ में हो। ठीक है, 2 दिन तक पूरी रात में इधर सुनो, सुबह 4 बजे आई हूँ मैं पेशेंट को लेके, वही उसके ऊपर गाड़ी के ऊपर हक दिया, बाथरूम कर दिए। किसने? ये तो किसका गलती है? बाथरूम हो रही है, किसका गलती है? किसका गलती है? टॉयलेट घड़ी घड़ी चली हो गई, एक हफ्ते चला डॉक्टर आप ही के मई टॉयलेट में घड़ी घड़ी हो गई, ताकत ही नहीं रहेगी ना, दस टाइम होता है बाथरूम एक गोली के लिए हम लोग परेशान। चलो चलो।